हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल नाव रेलवे में। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि इस चैनल पर रेलवे विभाग या परीक्षा संबंधित प्रत्येक विभाग का प्रश्न पत्र अपलोड किया जाता है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिए। दोस्तों, आज हम लोग बीकानेर डिवीजन में हुए LDC 15% LDC कोटा के तहत जो एग्ज़ाम होता है इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में जूनियर इंजीनियर के, उसका प्रश्न पत्र दोस्तों आज हम लोग सॉल्व करेंगे। यह एग्ज़ाम 19/8/2023 को कंडक्ट करवाया गया था। तो दोस्तों, आइए देरी नहीं करते हुए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। दोस्तों, ट्रैकमैन के लिए यह एग्ज़ाम एक वरदान होता है LDC कोटा के लिए इंजीनियर बनने का। तो दोस्तों, आइए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है दोस्तों, LWR CWR में कौन कौन से ग्लूड ज्वाइंट उपयोग में लिया जाता है। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए G3L। प्रश्न संख्या दो, की मेन वो मेट को कितने समय में पूर्ण श्रेया कोर्स हेतु भेजा जाता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी 5 वर्ष के अंतराल पर। प्रश्न संख्या तीन, जंग प्रवण क्षेत्रों में रेल की गेज फेस साइड की पेंटिंग पुनः कितने वर्ष में होती है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए 1 वर्ष के अंतराल के बाद। प्रश्न संख्या चार, निम्न में से कौन सी ढलान से गहरी ढलान पर रेल डोली चलाना मना है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए 1 in 200। प्रश्न संख्या पाँच, सिंगल लाइन में सर्दी की गश्त में पेट्रोल मैन की बीट होती है कितनी। तो यह हो जाती है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी 4 किलोमीटर की। प्रश्न संख्या छः, रेल डोली चलाने वाले अधिकारी के पास किस श्रेणी का मेडिकल होना चाहिए। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए A3। प्रश्न संख्या सात, हुक वोल्ट किस जगह पर लगाया जाता है। इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी पुल पर। प्रश्न संख्या आठ, सिंगल लाइन पर रेल फ्रैक्चर होने पर पटाखे कहाँ लगाए जाते हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी 600 मीटर व 1200 मीटर पर। प्रश्न संख्या नौ, गाड़ी के विभाजन यानी ट्रेन पार्टिंग होने पर कौन सा सिग्नल दिखाते हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए हरी झंडी व सफ़ेद बत्ती सिर से पांव तक। प्रश्न संख्या दस, ग्रीष्मकालीन पेट्रोलिंग में पेट्रोलमैन को कौन सा सामान नहीं दिया जाता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए हरी झंडी। प्रश्न संख्या ग्यारह, PRC स्लीपर वाले फाटक की ओवरहॉलिंग कितने वर्ष में की जाती है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी 2 वर्ष के अंतराल। प्रश्न संख्या 12, LWR ट्रैक में 30 स्लीपरों में से एक स्लीपर कितने स्लीपर बदल सकते हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए 1। प्रश्न संख्या 13, फैंड शेप्ट वाले पाटा क्रॉसिंग में चेक रेल का क्लियरेंस कितना रखा जाता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए 41 से 45 mm तक। प्रश्न संख्या 14, फाटक का झंडा चक्रेल के सिले से कितनी दूर पर लगाते हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी 5 मीटर की दूरी पर। प्रश्न संख्या 15, सर्दी की पेट्रोलिंग पर कितने तापमान पर लगाई जाती है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी TD 30। प्रश्न संख्या 16, रेल जोर फ्रैक्चर होने पर कितने गैप पर पेट्रोलमैन गाड़ी को वापस पास कर सकता है क्लोजर के बिना। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी 30 mm तक। प्रश्न संख्या 17, मशीन पैकिंग के लिए कम से कम कितना साफ बैलास्ट कुशन होना चाहिए। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी 100 mm। प्रश्न संख्या 18, मेन लाइन में ERC का ग्रीस कितने साल में करते हैं। तो
तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, 2 साल में। प्रश्न संख्या 19, थ्रू पैकिंग में कितने चरणों में किया जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, 8 चरणों में। प्रश्न संख्या 20, 2 डिग्री गोलाई की त्रिज्या कितनी होती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, 875 मीटर। प्रश्न संख्या 21, वेल्डिंग कार्य के दौरान अलाइनमेंट हेतु जोर के दोनों ओर कम से कम डैश स्लीपरों की फिटिंग हटानी चाहिए? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, 5। प्रश्न संख्या 22, नए तैयार वेल्डेड जोर पर ट्रिमिंग के 10 मिनट बाद वेजेज हटाने चाहिए? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, 20 मिनट के बाद। प्रश्न संख्या 23, वेल्डिंग करने के लिए कम से कम 10 मिनट का ब्लॉक प्राप्त किया जाना चाहिए? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, 70 से 75 मिनट। प्रश्न संख्या 24, कंप्रेस्ड एयर पेट्रोल प्री हीटिंग करते वक्त हवा का दाब 10 किलोग्राम/cm² रखा जाना जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, 0.2 से 0.3 तक। प्रश्न संख्या 25, समान गैप वेल्डिंग के लिए मोल्ड वेल्डिंग टाइम क्या है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, 4 से 6 मिनट। प्रश्न संख्या 26, वेल्डिंग कार्य के दौरान टेपिंग के 10 मिनट बाद ट्रेन पास की जाती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, 30 मिनट के बाद। प्रश्न संख्या 27, सामान्य गैप वेल्डिंग कार्य के दौरान रेल सिरों के मध्य गैप 10 mm रखा जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, 25 ±1। प्रश्न संख्या 28, SKV वेल्डिंग के दौरान रासायनिक क्रिया का समय 10 सेकेंड है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, 20 ±3। प्रश्न संख्या 29, डिग्री और गोलाई की त्रिज्या के बीच संबंध जब जीवा की लंबाई 30.5 मीटर है तो क्या होगी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, डी बराबर 1750/r। प्रश्न संख्या 30, BG में गोलाई की अधिकतम डिग्री डैश हो सकती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, 10 डिग्री। प्रश्न संख्या 31, प्रश्न संख्या 31, व्यापक अंतराल एटी बेल्डिंग की प्रक्रिया में हवा पेट्रोल मिश्रण के साथ पूर्व तापन करने के लिए आवश्यक न्यूनतम यातायात ब्लॉक 10 मिनट है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। प्रश्न संख्या 32, बेल्ड कॉलर पेंटिंग डैश वर्ष में एक बार नन क्रॉसन प्रॉन क्षेत्रों में की जानी चाहिए? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, 4 वर्ष में। प्रश्न संख्या 33, वेल्डिंग से पहले किरोसिन के तेल और स्टील वायर ब्रश से रेल सिरों से कितनी दूरी तक साफ किया जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, दोनों साइड से कम 50 mm। प्रश्न संख्या 34, ट्रैक में मौजूद एटी वेल्ड और अन्य जोर के बीच न्यूनतम दूरी कितनी है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, 4 मीटर। प्रश्न संख्या 35, 60 किलो थिक वेव स्विच का जीवन काल -GMT है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, 800 GMT। प्रश्न संख्या 36, 60 kg CMS क्रॉसिंग में मापे गए घिसाव से 10 mm घटाया जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, 2.5 mm। प्रश्न संख्या 37, BG एक इन 1 in 12 फैन शेफ्ट टर्नआउट की स्विच लंबाई कितनी होती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, 10,125 mm। प्रश्न संख्या 38, लीड में भाग में वर्षायन मापने के लिए जीवा की लंबाई डैश है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, 6 मीटर। प्रश्न संख्या 39, जब हम गैप लेस ज्वाइंट बनाते हैं तो रेल होल का व्यास डैश होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, 26.5 mm। प्रश्न संख्या 40, BG 1 in
12 फेन शेप्ड टर्नआउट का हील डाइवर्जेंस डैश होता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी 175 mm। प्रश्न संख्या 41, बीजी 1:12 थिक वेव स्विच में टर्नआउट साइड पर अनुगति कितनी होती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी 50 kmph। प्रश्न संख्या 42, डैश कैंट पर पॉइंट और क्रॉसिंग बिछाए जाते हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। प्रश्न संख्या 43, पैसेंजर रनिंग लाइन पर पॉइंट और क्रॉसिंग के लिए निरीक्षण कार्यक्रम डैश महीने में एक बार होता है JEE SSC PWA के लिए रोटेशन द्वारा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी 3 महीने में एक बार। प्रश्न संख्या 44, बीजी 1:12 PSC वक्र स्विच के मामले में SRJ से ATS दूरी डैश है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी 1144 mm। प्रश्न संख्या 45, स्विच भाग में क्रॉस लेवल ATS से डैश आगे मापा जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी 450 mm। प्रश्न संख्या 46, टर्न आउट के दोनों तरफ डैश मीटर तक कैंट में एक चेंज नहीं होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी 20 मीटर तक। प्रश्न संख्या 47, टर्न आउट की लीड गोलाई में किसी स्टेशन पर डिजाइन वर्साइन और वास्तविक वर्साइन में अंतर डैश एमएम से ज़्यादा नहीं हो सकता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी ±3। प्रश्न संख्या 48, क्रॉसिंग पर घिसाव ANC से डैश दूरी पर मापा जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए 100 mm तक। प्रश्न संख्या 49, BG 1:12 कर्व स्विच के लिए लीड कर्व की त्रिज्या डैश मीटर है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए 441.36 mm। प्रश्न संख्या 50, BG में 1:12 के कर्व स्विच टर्नआउट में स्विच पोर्शन में डैश स्लीपर होते हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए 20। प्रश्न संख्या 51, लीडिंग स्ट्रेचर बार के टॉप तथा स्टॉक रेल के बॉटम के बीच क्लीयरेंस डैश एमएम होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी 1.5 से 5 mm तक। प्रश्न संख्या 52, क्रॉसिंग की नाक को टक्कर ना लगे इसलिए यह सुनिश्चित किया जाएगा कि फेंस से प्ले आउट के लिए चेक क्लीयरेंस डैश एमएम के बीच होना चाहिए? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी 41 से 45 mm के बीच। प्रश्न संख्या 53, BG सिंगल लाइन ट्रैक कटिंग में पुराने काम के लिए फॉर्मेशन की चौड़ाई कितनी होती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए 6250 mm। प्रश्न संख्या 54, स्विच की लंबाई डैश के बीच की दूरी है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी ATS से HOS के बीच। प्रश्न संख्या 55, BG में मेन लाइन पर नए कार्य के लिए न्यूनतम ब्लास्ट कुशन होना चाहिए कितना? तो यह हो जाना चाहिए दोस्तों ऑप्शन नंबर सी 350 mm। प्रश्न संख्या 56, गिट्टी के ढेर की साइड स्लोप निम्न में से समतल नहीं होनी चाहिए? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए 1.5H/1V। प्रश्न संख्या 57, ERCMK3 का टो लोड है कितना होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी 850 से 1100 kg के बीच। प्रश्न संख्या 58, निम्नलिखित में से किस प्रकार के लाइनर का उपयोग ट्रैक सर्किटेड क्षेत्र में किया जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए GFN लाइनर का प्रयोग। प्रश्न संख्या 59, ग्रीष्मकालीन पेट्रोल मैन की बीट सिंगल लाइन के लिए कितनी होती है? तो यह हो जाती है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी 2 किलोमीटर। प्रश्न संख्या 60, रात और कम दृश्यता के दौरान ट्रॉली को कम करना चाहिए? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी ब्लॉक लेकर। प्रश्न संख्या 61, अल्प अवधि के कार्य वे हैं जो दिन के सूर्योदय से सूर्योस्त तक हो जाते हैं? ऑप्शन नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा। प्रश्न संख्या 62, कम अवधि के कार्यों के लिए जब ट्रेन को रुकना होता है तो हैंड सिग्नल डैश और डैश मीटर तक दिखाया जाएगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए 30, 600 और 2 1200 मीटर तक। प्रश्न संख्या 63,
BCM द्वारा डीप स्क्रीनिंग के बाद TTM और DTS के उपयोग के मामले में अनुभागीय गति को 10 दिन में बहाल कर दिया जाएगा। इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी 10वें दिन। प्रश्न संख्या 64, BCM द्वारा डीप स्क्रीनिंग के बाद TTM और DTS के उपयोग के बाद पहले दिन गति प्रतिबंध कितना होगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी 40 किलोमीटर प्रति घंटा। प्रश्न संख्या 65, जंग के कारण अधिकतम अनुमत घिसाव 10 mm है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी 1.5 mm। प्रश्न संख्या 66, BG1 × 12 फैन सेफ टर्नआउट में डैश स्लीपर होते हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी 96। प्रश्न संख्या 67, डेटोनेटर का सामान्य जीवन काल कितना होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए 5 वर्ष। प्रश्न संख्या 68, TP बोर्ड का सबसे निचला हिस्सा रेल स्तर से 10 मीटर होना चाहिए। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए 1.65। प्रश्न संख्या 69, हाई स्पीड ब्रॉड गेज रूट पर रिवर्स कर्व के बीच न्यूनतम डिस्टेबल स्टेट 10 मीटर है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी 50 मीटर। प्रश्न संख्या 70, ट्रांजिशन गोलाई को डैश के रूप में भी जाना जाता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी सुविधा गोलाई। प्रश्न संख्या 71, बसाइन को रेल हेड से डैश नीचे बाहरी रेल के नीचे गेज फेस पर मापा जाना चाहिए। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी 14 mm तक। प्रश्न संख्या 72, सामान्य गोलाई के लिए बसाइन यानी गोलीयता वक्रता के मापन के लिए डैश कोर्ट की लंबाई का उपयोग किया जाता है। इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी 20 मीटर। प्रश्न संख्या 73, गोलाई पर क्रॉस लेवल के लिए संदर्भ रेल की है? इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी भीतरी रेल। प्रश्न संख्या 74, जब गोलाई पर अधिकतम अनुमेय गति खंड की अधिकतम अनुभागीय गति से कम होती है तो क्या होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए PSR आवश्यक है। प्रश्न संख्या 75, BG 1 × 8.5 फैन शेप टर्नआउट में डैश स्लीपर होते हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी 67 स्लीपर। प्रश्न संख्या 76, ट्रैक कंसोलिडेशन के लिए प्रयुक्त मशीन कौन सा है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी DGS। प्रश्न संख्या 77, SBCM का उपयोग किसकी सफाई के लिए किया जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी शोल्डर ब्लास्ट के लिए। प्रश्न संख्या 78, काम खत्म करते समय ट्रैक में डैश रैंप इन और रैंप आउट दिया जाना चाहिए। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए 1 in 1000। प्रश्न संख्या 79, संरेखण के दौरान मशीन डैश सही करती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए वर्साइन। प्रश्न संख्या 80, मशीन की अधिकतम संख्या जो एक ब्लॉक सेक्शन में काम कर सकती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए 5। प्रश्न संख्या 81, भारतीय रेलवे में पॉइंट एंड क्रॉसिंग को बिछाने में मशीन यूज की जाती है कौन सी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए T28। प्रश्न संख्या 82, भारतीय रेलवे में पॉइंट एंड क्रॉसिंग टेम्पिंग में मशीन यूज की जाती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए यूनिमेट। प्रश्न संख्या 83, टेपिंग के दौरान मशीन द्वारा ट्रैक के किस पैरामीटर को शामिल नहीं किया जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी गेज। प्रश्न संख्या 84, मशीन ऑपरेटर किस मेडिकल श्रेणी में फिट होगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए A3। प्रश्न संख्या 85, टेम्पिंग मशीन के समुचित कार्य के लिए न्यूनतम क्लीन कुशन कितना होना चाहिए? इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी 150 mm। प्रश्न संख्या 86, BSM के लिए न्यूनतम ब्लॉक समय घंटों में यानी प्लेन ट्रैक के लिए कितना होना चाहिए? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए 2.5। प्रश्न संख्या 87,
सेक्शन में काम करते समय किन्हीं दो लगातार मशीनों के बीच की दूरी 1.5 मीटर से कम नहीं होनी चाहिए। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी 50 मीटर से। प्रश्न संख्या 88, फ्लैट बॉटम स्लीपर यानी PRC के तल के नीचे ट्रैपिंग टूल की गहराई कितनी होती है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी 1520 mm। प्रश्न संख्या 89, ट्रैक बिछाने के लिए किस मशीन का उपयोग नहीं किया जाता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी DGS का। प्रश्न संख्या 90, गार्ड रेल का टॉप मुख्य रेल के टॉप से कितना नीचे होता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए 25 mm। प्रश्न संख्या 91, बीजी ट्रैक पर गार्ड रेल तथा रनिंग रेल के मध्य अंतराल यानी अंतर कितना होता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी 250 ± 50 mm। प्रश्न संख्या 92, गार्डरपुर पर जोर स्लीपर के बीच स्पष्ट दूरी कितनी होती है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी 200 mm। प्रश्न संख्या 93, रेल 200 में OBS या OBSW पाए जाने पर दोनों वेब फेस पर पेंटिंग मार्क की जाती है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, लाल रंग के पेंट के साथ एक क्रॉस का सिग्न निशान। प्रश्न संख्या 94, रेल 200 में DFW आर पार की जाने पर दोनों वेब फेजिंग पर पेंटिंग मार्क की जाती है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, लाल रंग के पेंट के साथ दो क्रॉस के निशान। प्रश्न संख्या 95, रेल 200 में IMR या IMRW पाए जाने पर दोनों वेब फेज पर पेंटिंग मार्क की जाती है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, लाल रंग के पेंट के साथ तीन क्रॉस के निशान। प्रश्न संख्या 96, IMR रेलों को 10 दिनों के अंदर बदलते हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी 3 दिनों के अंदर। प्रश्न संख्या 97, OMS की पिक कितने जी से अधिक होने पर तुरंत अटेंड करना चाहिए। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी 0.30G। प्रश्न संख्या 98, स्लीपर से स्लीपर गेज भिन्नता कितनी होती है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी ±2 mm। प्रश्न संख्या 99, 52 kg/m नई रेल के किलोग्राम में प्रति मीटर वजन निम्न में से कौन सा है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी 51.89 kg। प्रश्न संख्या 100, कौन सा बोर्ड इंजीनियर इंडिकेटर है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त में से सभी यानी कॉशन इंडिकेटर, स्टॉप इंडिकेटर और स्पीड इंडिकेटर। उसके बाद दोस्तों 10 प्रश्न जो होते हैं वो राजभाषा के पूछे जाते हैं प्रत्येक LDC वाले एग्जाम में। तो आइए दोस्तों उसको भी देख लेते हैं। पहला प्रश्न है, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी 14 सितंबर को। प्रश्न संख्या 102, राजभाषा हिंदी की कौन सी लिपि है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, देवनागरी। प्रश्न संख्या 103, मान्यता प्राप्त भाषाओं को संविधान की किस अनुसूची में शामिल किया गया है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, 8वीं अनुसूची में। प्रश्न संख्या 104, केंद्रीय हिंदी समिति के अध्यक्ष कौन होते हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, प्रधानमंत्री। प्रश्न संख्या 105, भाषा के आधार पर समस्त भारत को कितने भागों में वर्गीकृत किया गया है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, 3 भागों में, क, ख, ग या ABC। प्रश्न संख्या 106, राजभाषा नियम 1976 किस राज्य पर लागू नहीं होता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, तमिलनाडु पर। प्रश्न संख्या 107, प्रथम राजभाषा आयोग का गठन कब किया गया था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, 1955 ईस्वी में। प्रश्न संख्या 108, राजभाषा अधिनियम 1963 को कब संशोधित किया गया था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, 1967 ईस्वी में। प्रश्न संख्या 109, राजभाषा नियम कब बनाए गए थे। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, 1976 ईस्वी में। और आज का अंतिम प्रश्न, राजभाषा अधिनियम 1963 को कब लागू किया गया था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, 26 जनवरी 1965 ईस्वी को।
तो दोस्तों ये थे ट्रैकमैन से जूनियर इंजीनियर बनने के लिए एलडीसी कोटा का जो एग्ज़ाम होता है उसके प्रश्न पत्र। ये प्रश्न पत्र बीकानेर डिवीजन में 19/8/2023 को कंडक्ट करवाए गए थे। तो दोस्तों अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिए। दोस्तों इस चैनल पर आपको रेलवे विभागीय परीक्षा से संबंधित प्रत्येक विभाग का प्रश्न पत्र अपलोड किया जाता है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।